नमस्कार दोस्तों, यह है सवरा 742 XT। अब ये 600 घंटे चला है तो ये वारंटी में है। और इसमें क्या कि गियर हाउसिंग में प्रॉब्लम आ गई, तो हम इसको गियर बक्से को चेंज कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, काउंटर है, इसमें फर्स्ट गैराज चलती है। ये टॉप वाली है, ये तीसरा, ये सेकंड, ये रूस है, ठीक है ना। ये रूस पिट्टू वाला सिस्टम जो नया मॉडल में आया, उसको आरपीएम बढ़ाने के लिए दिया है। और आगे फिट करते हैं, ये है स्टाफ शाफ्ट। पहले स्टाफ शाफ्ट को धीरे धीरे आता है। ये टॉप शाफ्ट लग गई। टॉप शाफ्ट लगने के बाद में ये है लॉक। मैं लॉक क्या जैसा कि मिस्त्री ने बताया कि लॉक प्लाग की सहायता से इसकी टॉप शाफ्ट की लॉक लगा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों कैसे लॉक लगा रहे हैं। लॉक लगाने के बाद दोस्तों ये कड़ा लगाया जाता है इस प्रकार से। बेरिंग है इसके आगे, ये मास्टर भी चलता है, सादा हो तो सादा भी चल जाएगा इसमें, मतलब ये मास्टर बेरिंग। इसके बाद में पीटी वाले, या पीटी वाले दोस्तों, ये पीटी वाली सापट है। इसमें डबल बेरिंग आते हैं, एक ही आगे वाला है और एक ही पीछे वाला लॉक वाला बेरिंग। साथ में ये जर्रा चलते हैं, जो ही जर्रे आते हैं उसको आप ग्रीस की सहायता से लगाना पड़ता है। पड़ेगा ग्रीस बड़ा आप और ग्रीस लेना है इसकी सहायता से, ये मतलब ये थोड़ी चले आते हैं इसमें। आप देख पा रहे हैं दोस्तों कैसे ड्रिल चर्रे को लगाया जा रहा है। इस ग्रीस की सहायता से चर्रे को ऐसे चिपकाया जाता है ताकि ये लगाते समय अलग अलग ना हो जाए, बिखरे नहीं।
की बैरिंग आता है इस पर, इसको थोड़ा सा ग्रीस लगा दे सरा हो जाए। धागा लगा देते हैं इसके, रबड़ हो तो रबड़ काम ले सकते हो। इससे क्या कि चले गिरारी सेट करने से अलग अलग नहीं हो जाए। ये तो टॉप वाली गिरारी है, चौथा ही पूरे फर्स्ट यूज और ये सेकेंड सेकेंड वाली गिरारी। इसको आप डालने के लिए बताओ फेलिक्स, बताओ ये फर्स्ट यूज फर्स्ट वाली गिरारी जाएगी। एक अब कपलिंग आगे रहेगा ये गियर वाला, ये सेकंड वाली इसका भी कपलिंग आगे रहेगा। ये टॉप वाली इसका कपलिंग नीचे रहेगा। सदैव को एक बार अच्छे से चेक कर ले, चल रही है ये जो गियर आता है उसके वो छटकने नहीं देता। ये टॉप गिरा पड़ गया, इसको लिया अंदर टॉप वाली गिरा रही है उसमें डालना है और ऐसे करके डाल दो। इस बोल्ट को खोलो, अंदर होल है उसको मिलाना है। इसमें ये जो शाफ्ट है इसके नीचे होल है, ये देखिए ये मिल गया। इसमें 13 नंबर बोल्ट लगाया जाएगा। ऐसे करके सभी साफ्ट के अंदर ये होल है और इस होल में ये बोल्ट लग जाएगा। फर्स्ट ओवर यूज का, फर्स्ट ओवर यूज का कट इधर आता है ऐसे, और इसको अंदर जो बड़ी गिरारी है इसमें चलम आती है आगे, चलम में मिलाना है और इसको शाफ्ट को डालना है। शाफ्ट के अंदर चले आते हैं
इसको दबा के और इसको होल मिला दो, ये होल मिल गया। सेकंड वाला है, सेकंड वाला है, ये एक है, इसके पीछे एक करा लगेगा, सेकंड वाला गियर है, इसको भी इसी तरह डालना है। आगे इसमें मिलाना है, मिला के और इसको डालना पहले ये गिरारी लूज फिट हुआ काम करती है, ये दोनों जो लूज फिट जो अपने हाथ वाले गियर से जो चलाते हैं उसका काम करती है, उसको पहले फिर ये वाली डालनी है, इसमें इसमें लोके आती है, लोके मिला के और ये दबा दी, ये गिरार अंदर हो गई। उसके बाद में ये वाले नल डालने पे डाल दिया, ये प्लेट ऐसे लगेगी। हाँ, फिर इसके बाद में ये डालना, ये तो आरपीएम जो बढ़ाता है ना ट्रैक्टर का आरपीएम बढ़ाने के लिए, उस गिरारी को ढक के रखता है, ये अंदर जाते हैं, ये जाते इसमें चलेंगे, इसके दो कड़िया गुच्छा करते हैं, इसको दो विजिट लगा दो इसी की एक कड़ा, ये पीतल के वाइसर है, ये इसमें इस प्रकार के से लगाया जाता है, काम करेगा आर्मिंग काटने में हाई और लो का गियर इसमें काम करता है। लग गया, ये कड़ा भी डाल दिया, इसके बाद में ये प्लेट है, ये पहले डाल दिया, यो ये हाई लो वाला कपलर है, ये हाई लो का कपलर है, इस प्रकार से लगेगा, आगे दांते लगेंगे, ये आगे दांते जा रहे, दांते को आगे आगे रखेंगे और पीछे जो ये कपलर है इसको ऐसे ऐसे सेट करेंगे, इसको ये कपलर ये काम करेगा, ये सारा हाई लो का इसमें डाल दिया और ये